अजय स्टूडेंट, देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट सीरीज, जिससे आपके बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो सके चीज़ों का, इसके लिए हम ये लिख रहे हैं। तो अब बस आप इनको देखिए, खुद से सोचिए कि आपको इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, इसमें हमने पार्ट वन बनाया जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन कम्प्लीट करवाए। फिर हमने इसका पार्ट सेकेंड बनाया जिसमें 101 से लेकर 150 तक हमने इसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम इसका पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं जिसमें 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 151। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, 18 मार्च 1948 को हुई थी। आपको डेटें कैसे याद रखनी है? देखो, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। सबसे पहला 18 मार्च 1948, दूसरा फिर हम बोलेंगे 25 मार्च 1948, ठीक है, तीसरा फिर 18 अप्रैल हो जाएगा और ये 1948 रहेगा। तो अपन ने क्या देखा, 48 48 48, शुरू के 3 48 हो गए, ये मार्च मार्च हो गया और ये अप्रैल हो गई, क्योंकि 18 मार्च को एक बार आ चुका है 18, तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट मंथ में ही आएगा, ऐसे याद करिए इसको, ठीक है। 18 25 18 याद करेंगे तो आपको 3 चरण याद हो जाएंगे। इसमें बना था मत्स्य संघ, इसमें बना था पूर्वी राजस्थान, इसमें बना था संयुक्त राजस्थान, ठीक है। अब संयुक्त राजस्थान में क्या होगा, 4 जिले जोड़े जाएंगे, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। इन चारों को जोड़ने के बाद ये बनेगा वृहद राजस्थान, और वृहद राजस्थान से चौथा चरण चालू हो जाएगा। चौथे चरण कौन सी डेट होगी, 30 तारीख, 30 मार्च 1949। अब देखो, 48 के बाद में हमें दो डेट मिलेंगी 49 की, 49 49 1949, और ये कौन सा होगा, ये मार्च आ गया, तो इसके बाद वाला मई, ठीक है, ये कौन सी, 15 मई, ये 5th चरण हो गया। 5 से 15 याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगी डेट, तो 5 मई हो गया। छठा और सातवां कैसे याद करेंगे, छठा देखो, छठा याद करिए 26 जनवरी, मतलब 5वें में 5 आ रहा है, 6ठे में 6 आ रहा है, 26 जनवरी है, 01 मंथ है, 1950 है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और सप्तम चरण कब है, 1 नवंबर 1956, ऐसे याद करिए, आपको याद रहेंगी ये डेट, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बहुत ही इजी है, इनको ट्रिक बना के याद करेंगे, 3 4 बार इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। आ जाइए, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी, शाहपुरा, कहाँ पड़ेगी, भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। आ जाइए प्रश्न नंबर 153, राजस्थान का एकीकरण संपन्न कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था, सप्त चरण जो अपन ने अभी देख लिया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर थी, कौन सी, जोधपुर। आपने अगर मैप देखा हो, हमने जब एकीकरण पढ़ाया तो आपको बहुत अच्छे से दिखाया कि मारवाड़, मारवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है, वृहद राजस्थान, ये अपन ने देखा। संयुक्त राजस्थान में जब अपन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वृहद राजस्थान निकल कर आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 156, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कोटा किस संघ की राजधानी थी, तो बताइए कोटा किस संघ की राजधानी थी और कौन से चरण में कोटा को जोड़ा गया था। तो देखिए, कोटा द्वितीय चरण में जोड़ा गया था। दूसरी तारीख कौन सी थी, 25 मार्च 1948, और इसमें कोटा कोटा जोड़ा गया था। एक्चुअली क्या है, इसमें 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना जोड़ा गया था, ऐसे याद करिए, ठीक है। पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी थी, बिल्कुल, राजस्थान, पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान। आ जाइए प्रश्न नंबर 157, राज्य के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे, तो कितने जिले थे, 26 जिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 158, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले नवीन रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़, झालावाड़ रियासत थी। आ जाइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 159, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ये क्या थे, हमारे होम मिनिस्टर थे। और राजस्थान में कौन से चरण में आए थे, ये आए थे चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण में क्या हुआ था, 4 रियासतों को जोड़ा गया था, कौन कौन सी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर, प्लस 1 ठिकाना जोड़ा गया था, कौन सा, लावा ठिकाना, जो कहाँ पड़ता है, टोंक के अंदर पड़ता है, तो ऐसे याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 4 से 4th चरण में आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 4 ही रियासतें थी, ऐसे याद करिए, ठीक है। आ जाइए एक प्रश्न नंबर 160, राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, उक्त वाक्य किस शासक का था, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे ये, इन्होंने ये कहा था, ठीक है, जब ये मर्ज कर रहे थे अपनी राजधानी को। जाइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 161, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी,
तो 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979, याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 162, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? शीतल ईश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। कौन सा? शीतल ईश्वर महादेव मंदिर, याद रखना है। प्रश्न नंबर 163, राजस्थान में मीरा दातार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? अजमेर में, याद कर लीजिए। कभी जाइए अजमेर तो देखा जाइएगा। प्रश्न नंबर 164, राजस्थान में 2.5 दिन की झोपड़ी, 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहले ये क्या था? संस्कृत विश्व स्कूल हुआ करता था। आ जाइए प्रश्न नंबर 165, राजस्थान में प्रतिहार कालीन महामारी शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? हर्षद माता मंदिर आभानेरी। कहाँ पर है? दौसा के अंदर। कभी आप दौसा जाइए तो ये देख करा देगा। आ जाइए, और दौसा में ही है चांद बावड़ी। आ जाइए प्रश्न नंबर 166, राजस्थान में मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव शिवाना। शिवाना कहाँ पड़ेगा? जालौर में पड़ेगा। हल्देश्वर महादेव याद रख लीजिए, मिनी माउंट, ठीक है। प्रश्न नंबर 167, राजस्थान में नोगावा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? ये अलवर में है। नोगावा जैन मंदिर कहाँ पर है? याद करिए, 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। नोगावा, नोगावा, अलवर। राजस्थान में अर्थूणा के प्राचीन मंदिरों का संबंध किस वंश से है? परमार वंश है, ठीक है। और अर्थूणा के प्राचीन मंदिर है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कभी आप बांसवाड़ा जाइए तो अर्थुना के प्राचीन मंदिर देख कर आइए, परमार वंश से रिलेटेड हैं। आ जाइए नेक्स्ट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 169, राजस्थान में किस जिले में सिंहारूढ़ गणपति का मंदिर स्थित है? वो कहाँ पर है? बीकानेर में, सिंहारूढ़, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 170, राजस्थान में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पर चारण समुदाय के लोग जब कपिल मुनि का मेला भरता है तो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनकी कुल देवी हैं करणी माता। करणी माता जो चूहों वाली माता के नाम से भी जानी जाती हैं, उनके क्या था, उन्होंने अपनी बहन से पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था गुलाब कंवर, जो क्या था, कोलायत झील में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से चारण समुदाय के लोग कोलायत झील में कपिल मुनि के मेले में शिरकत नहीं करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ए स्टूडेंट्स, अब करते हैं प्रश्न नंबर 171, राजस्थान में उषा मंदिर बयाना भरतपुर में है, ठीक है। उषा मंदिर का नाम याद रख लीजिए, बयाना भरतपुर। तो उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वो भी जहाँ उषा मंदिर होगा उसी के बगल में उषा मस्जिद होगी, तो कहाँ पर? बयाना भरतपुर में। आ जाइए प्रश्न नंबर 172, राजस्थान में उत्तर भारत की एकमात्र सूर्यपीठ कहाँ पर स्थित है? सुराणी धाम सूर्य मंदिर कहाँ पर? जयपुर के अंदर है। आ जाइए प्रश्न नंबर 173, विश्व प्रसिद्ध सचिया माता का मंदिर, सचिया माता का पूरा नाम क्या है? ओसिया सचिया माता मंदिर, कहाँ, किस संभाग के अंदर आता है? वैसे कौन सी जगह आएगा? पाली के अंदर आएगा, रणकपुर पाली जैन मंदिर, ठीक है। और ये कौन से संभाग में है? जोधपुर के अंदर। आ जाइए 174, राजस्थान के मृत्युकुंडिया के प्राचीन मंदिरों को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। आ जाइए प्रश्न नंबर 175, राजस्थान में सुंधा माता का मंदिर किसके निकट स्थित है? जहां पर राजस्थान का पहला रूपनी रोप वे, ऐसे रोप वे शुरू किया गया था, रोप वे शुरू किया गया था मैंने तो, ये जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पड़ेंगी? जालौर के अंदर, याद कर लीजिए, बहुत इजी है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 176, राजस्थान में गमता गाजी की मीनार कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? जोधपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 177, राजस्थान में जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रतिहारों की। किनकी देन है? प्रतिहारों की देन है। प्रश्न नंबर 178, राजस्थान के किस जिले में गोरा बादल महल स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कभी आप चित्तौड़गढ़ जाइए, गोरा बादल के महल देख कर आइए। प्रश्न नंबर 179, राजस्थान में सुपारी महल किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। ये महलों के नाम तो ऐसे ही याद रखने हैं आपको। राजस्थान में महाराव उदय सिंह, देखो उदय सिंह से उदयपुर ही आ सकता है, परंतु इन्होंने एक महल बनाया था उदय विलास नामक, उदय विलास भव्य महल कहाँ बनवाया था? डूंगरपुर में बनाया था, उदयपुर में नहीं है। बस ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि उदयपुर से तो हम उदय सिंह से तो उदयपुर में जब कहेंगे, परंतु उदयपुर नहीं है, डूंगरपुर है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि उदय सिंह के नाम पर उदय विलास महल कहाँ बनाया गया है? डूंगरपुर में। आज नेक्स्ट प्रश्न नंबर 181, राजस्थान में झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बस ऐसे याद रख लीजिए।
राजस्थान के किस जिले के महल सर्वेष्ठ हैं? तो कौन से जिले के? डींग जिले के। कहाँ पे पड़ेगा? भरतपुर के अंदर। अजय प्रश्न नंबर 183, राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है? देखो उम्मेद महल महल की बात करी जाए तो वो कहाँ बनवाया था उन्होंने? डूंगरपुर में। पर उम्मेद भवन पैलेस की बात करेंगे तो वो जोधपुर के अंदर ही है, ऐसे याद रखना है कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। अजय प्रश्न नंबर 184, भारत का मक्का के नाम से राजस्थान की प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? अजमेर में। कभी जाइए, देख कर आइए। यहाँ पे दो बहुत बड़ी बड़ी डेगचियाँ हैं जिसके अंदर खाना बनता है। ठीक है अजी, राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? आसूत्रा। तो पहला मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर। ठीक है, पुष्कर में है, अजमेर के पास में। अजी नेक्स्ट प्रश्न नंबर 186, राजस्थान के 12 जिले में स्थित सहेलियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है सीताबाड़ी, कहाँ पर है ये सीताबाड़ी? 12 जिले में है। ठीक है, राजस्थान में डग एवं कोलवी की बुद्ध कालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? झालावाड़ में, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 188, राजस्थान में अर्थुना बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? अर्थुनक। क्या है अर्थुना का? अर्थुनक। राजस्थान के किस जिले में मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर, याद कर लीजिए। राजस्थान में काकी जी की दरगाह, भंवर माता का मंदिर, गोमतेश्वर धाम, छोटी मांझी साहिबा का किला व जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जाखम बांध हमने कहाँ पढ़ा था? सोम इधर से आ रही है, जाखम इधर से आ रही है, इधर से माही आ रही है, ये तीनों मिल रही हैं, त्रिवेणी बना रही हैं बेड़ेश्वर धाम पर। तो ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर है बांसवाड़ा, इधर डूंगरपुर और इधर है प्रतापगढ़, इन तीनों के बॉर्डर पे ही ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, परंतु ये जाखम बांध किस जिले में स्थित है? ये प्रतापगढ़ में है, ऐसे याद कर लीजिए। आ जाइए प्रश्न नंबर 191, राजस्थान में सज्जनगढ़ के महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, याद करिए। बहुत ईजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली में, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। प्रश्न नंबर 193, राजस्थान में गड़ीसर तालाब जैसलमेर का कलात्मक प्रवेश द्वार किस नगर वधु ने बनवाया था? टीलों ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 194, राजस्थान की नक्की झील, गुरु शिखर, शारणेश्वर महादेव व अधर देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही में। राजस्थान में सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल जहाँ स्थित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा शीशे के रूप में की जाती है, तो कौन से? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी जाइए, दर्शन करके आइए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सयानन डूंगरी तीर्थ स्थित है? चूरू में। कभी आप चूरू जाइए, सयानन डूंगरी देख जाइए। राजस्थान के बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी तथा स्थापत्य के लिए जाना जाता है, कौन सा महल है? अनूप महल है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। अजय प्रश्न नंबर 198, राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है जसवंत थड़ा, जैसे जसवंत जैसे जोधपुर, ऐसे याद कर लीजिए। 199, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुजर जाति के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है? तो सवाई भोज का मंदिर। ठीक है, आ जाइए कहाँ पर? भीलवाड़ा में। प्रश्न नंबर 200, राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो परमार काल में हुए थे दिलवाड़ा के जैन मंदिर, कहाँ पर बने हुए हैं? सिरोही के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए। धन्यवाद, बाय।